हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। टुडे बेटा वी विल डू एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 8 फ्रॉम 7th सम टू 12th सम। हाँ जी बेटा, 7th तो लेके 12th सम तक आप सॉल्व करांगे। क्लियर है जी? हाँ जी, 7th सम देखो। द अर्जेंट फिगर एच ओ पी ई इज़ आ पैलोग्राम, एच ओ पी ई इज़ आ पैलोग्राम। क्लीयर है? फाइंड द एंगल मयर एक्स वाई जैड, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड। हाँ जी, ये हेल्प नाल बेटा अपने की करना है, ये सम सॉल्व करना है जी। क्लीयर है? हाँ जी बेटा, सम नंबर 7th भी एक्सरसाइज 3.3। हाँ जी बेटा, तुसी ने पेंसिल स्केल ना डायग्राम बनाना भी। क्लीयर है? अपनी फेयर नोटबुक के उपर डायग्राम बना के फिर आंसर देना भी। इत्थे आ गया तो 70 डिग्री, आ ज्वाइन है भी, उरे एच उरे पी बेटा उरे ओ उरे ई आ गया, आनू एक्स दिता हुआ, आे को 40 डिग्री है, उरे आ गया तो को जैड बेटा, आे को आ गया वाई। क्लीयर है भी? सब तो पहला स्टैप थोड़ा की है बेटा, तुसी ने वाई एंगल फाइंड कर सकते। बेटा एंगल वाई फाइंड किमें करोगे? तुसी लिख सकते हो एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज ए की आ गए अल्टर नेटिव एंगल्स आ गई। क्लीयर है भी? की आ गई है थोड़ी अल्टरनेटिव एंगल्स आ गई। क्लीयर है? इनू एंगल बेटा 1 मान लियो। क्लीयर है? फिर तुसी लिखोगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, ये कहदे बराबर हो जू 180 दे, क्योंकि ये लीनियर पेयर होजू, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जू 180 डिग्री, 70 उधर जाके मैनस का होजू, तो एंगल 1 कि आ गया तो 110 डिग्री। क्लीयर है? हूँ आ 110 डिग्री आ गई, थोड़े को आ वाई एंगल 40 आ गई। हूँ जैड फाइंड करनी है, फिर तुसी लिखोगे इन ट्रैंगल पी ओ एच। हूँ आ ट्रैंगल पी ओ एच दे विच बेटा सम ऑफ आल एंगल्स ऑफ ट्रैंगल कहदे बराबर होंगे 180 दे, फिर तुसी लिखोगे एंगल 1 प्लस वाई प्लस जैड कहदे बराबर होजू 180 दे, इत्थे लिखोगे तुसी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लीयर है भी? हूँ एंगल 1 आप फाइंड कर चुके हैं 110 डिग्री है, एंगल वाई आप फाइंड कर चुके हैं 40 डिग्री है, प्लस जैड इजिकल टू 180 डिग्री। 110 प्लस 40 कि आजगा 150 डिग्री, प्लस जैड इजिकल टू 180 डिग्री, जैड एवं रहेगा 150, उधर जाके की होजूगा माइनस का बेटा, तो जैड की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आजूगी 30 डिग्री। कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री। हूँ बेटा जिहड़ा एंगल 1 है वह कहदे इक्वल होजूगा एंगल एक्स दे, एक्स अपने 1 कि फाइंड करी थी 110 डिग्री, तो वह भी कि आ गई 110 डिग्री, क्यों भी ओपोजिट साइड सॉरी ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। क्लीयर? वह कहते हैं इक्वल। हूँ अपने को इतने एंगल एक्स कि आ गई 110 डिग्री। क्लीयर है भी? दैन एंगल वाई आप फाइंड कर चुके हैं 40 डिग्री, दैन बेटा एंगल जैड वो तो डिलीवर कि आ गई 30 डिग्री। ए सी का बेटा 7th पार्ट। क्लीयर है पुत्र? हूँ एक बेटा मैं 8th पार्ट का सम करवा रहा फस्ट, उस तो बाद तुसी ने सारी एक्सरसाइज फेयर नोटबुक के उपर कंप्लीट करनी है दोनों सम समझ के भी। क्लीयर है भी? हाँ जी बेटा, 8th पार्ट का फस्ट देखो भी, 8th पार्ट का फस्ट कहना दी फॉलोइंग फिगरस जी यू एन एस एंड आर यू एन एस आर पैलोग्राम्स, फाइंड द एक्स वाई। अपने वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी पुत्र, 8th पार्ट दे विच फस्ट सम। क्लीयर है भी? हाँ जी, देखो भी पैलोग्राम बनी हुई है थोड़ी जी यू एन एस, आ 26 है बेटा, आ 18 है, आ 3y-1 है, आ बेटा 3x है। क्लीयर है? अपने एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड करनी, सब तो पहला तो इसी लिखना है ओपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आई है बेटा, पैलोग्राम आर इक्वल की होंगे ने, इक्वल होंगे ने, फिर उत्ते लिखोगे तुसी जी यू इजिकल टू एन एस एंड एस जी इजिकल टू यू एन। पहला जी यू लिखो बेटा किन्नी है, 3y-1, एन एस किन्नी है 26, तो 3y-1 उधर जाके बेटा की होजूगा थोड़ा प्लस का, 3y = 27 आजू, वाई तो टाइम ही रहेजू बेटा 3, उधर जाके की होजूगा डिवाइड का, 27 डिवाइड विद
थ्री तो आंसर कितना आ जूगा 9 बेटा, 22 की वैल्यू कितनी आ गई 9। हूँ एस जी किन्ना है 3x, यू एन किन्ना है 18, एक्स तो टाइम ही रहा जी 18 डिवाइड विद 3, आंसर कितना आ जूगा 6 बेटा। फिर तुम्हें लिखना है द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू 9। ये बेटा थोड़ा की आ जूगा 8th पार्ट का फर्स्ट। हाँ जी बेटा, ये दोनों सामनों तुम समझ के अपनी जी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर सकते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, थैंक्स स्टूडेंट्स।